नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। देश के नंबर वन चैनल के नंबर वन शो कच्चा चिट्ठा में सबसे पहले बात यूक्रेन में बहुत बड़ी तबाही की। खेरसोन में बांध टूटने के बाद यूक्रेन कह रहा है कि ये रूस का काम है, तो रूस का दावा है कि बांध यूक्रेन ने ही उड़ाया है। एक दूसरे पर आरोपों के बीच खेरसोन में हजारों लोगों की जिंदगी संकट में पड़ गई है। कहीं पीने का पानी नहीं मिल रहा, कहीं खाने का सामान नहीं मिल रहा, और अब हालात ये हैं कि पानी के अंदर धमाकों का खौफ सता रहा है। जिंदगी पहले बम से दहली, अब पानी में बही जा रही है। कहीं छाती तक पानी भरा है, कहीं पानी नाक तक पहुंच गया है। हजारों लोग, हजारों घर पानी की मार से कराह रहे हैं, चीख रहे हैं। Все оставили, все вещи поставляли, босиком теперь едем, без всего. Ничего, все там брошенное, все дурные. Моя дочка кричала, мама, едем, вот такие бестолковые. Ждет кто-то уже в панике, кто-то смирился, кто-то просто не хочет выезжать, жду чего-то. लोग छतों पर बैठे हैं और मदद के इंतजार में हैं। लोगों के पास खाने का सामान नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। कहां जाएं, किससे फरियाद करें? घर और शहर डूबा जा रहा है। हजारों शरणार्थियों को ओडेसा और माइकोलाइव ले जाने के लिए ट्रेनों और बसों को लगाया गया है। Вся мебель, все прямо под самый потолок вода. Да, вот. Ну, вот нас с крышей. जहां तक नजर जाती है, पानी का साम्राज्य पसरा है। बांध के टूटने की वजह से 4.8 अरब गैलन पानी खेरसोन शहर की तरफ बढ़ चुका है। रेस्क्यू के लिए दिनों रात दस्ता निकल रहा है, लेकिन कहां कहां छाने, किसको किसको बचाए? पानी खौफ बनकर सामने खड़ा है। ये तस्वीरें बहुत ध्यान से देखनी होगी, क्योंकि ये पानी किसी अचानक टूटे डैम का पानी नहीं है जो बाढ़ बनकर खेरसोन में घुस आया है, बल्कि ये पानी रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक किया गया सबसे बड़ा हथियार है, जिसमें हथियार के इस्तेमाल करता रूस को बहुत कम खर्च करना पड़ा है। 50 करोड़ की मिसाइल भी बच गई, 2,00,000 का ड्रोन भी बच गया। रूस के किसी सैनिक को जान भी नहीं देनी पड़ी, खून खराबा भी नहीं हुआ, और चुपके से यूक्रेन का दुश्मन पानी शहर में फैल गया। जो काम तोप के गोले नहीं कर पाए, रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलें तक अंजाम नहीं दे पाए, ड्रोन के घातक प्रहार भी जहां असर नहीं दिखा पाए, वहां एक छोटे से धमाके ने यूक्रेन को हिला कर रख दिया। क्या पुतिन ने ज़ेलेंस्की के देश में पानी वाला बम फोड़ दिया है? बांध कैसे टूटा, किसने तोड़ा, किसने हमला किया, कैसे हमला हुआ? रूस और यूक्रेन दोनों बांध के टूटने का एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, जिसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अब तक जो तस्वीर साफ हुई है, उसके मुताबिक नीप्रो का पानी ज़ेलेंस्की पर प्रलय बनकर टूटा है। दक्षिणी यूक्रेन में नीप्रो के एक तरफ रूस की सेना का कब्जा है, दूसरी ओर यूक्रेन की सेना मोर्चा बनाकर डटी हुई है। इसी नीप्रो पर यूक्रेन का सबसे बड़ा कखोका डैम था। कखोका डैम पर ही कखोका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट था। बांध के टूटने से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी तबाह हो गया है। दक्षिणी यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में बाढ़ आ गई है। आसपास के इलाके से लोग पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं। बाढ़ से यूक्रेन की सेना के मोर्चों को भी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि रूस के हमले में नीप्रो नदी पर बना नोआ कखोका डैम तबाह हो गया है। रूस ने हमले से इनकार करते हुए इसे यूक्रेन का काम बताया है। कखोका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यूक्रेन के खेरसोन के नोआ कखोका शहर में है, जो फिलहाल रूस के कब्जे में है।
यूक्रेन का कखोका बांध टूटने से खेरसोन में 30 से ज्यादा गांव और कस्बे बाढ़ की चपेट में हैं। इसमें 20 यूक्रेन और 10 रूसी सेना के कब्जे में 2000 घर पूरी तरह से पानी में समा चुके हैं। 40,000 लोगों की जिंदगी खतरे में है। बांध पर हमला उस समय हुआ है जब यूक्रेन खेरसोन और डोनेस्क में रूस की सेना पर बड़े हमले की ओर बढ़ रहा है। रूस पर हमले के लिए बिछाई गई लैंडमाइन अब रेस्क्यू में रुकावट बन रही है। इलाके में पानी भर जाने के कारण उन्हें लोकेट करना मुश्किल हो रहा है। दुश्मन के लिए बिछाई गई लैंडमाइंस ज्यादा पानी आने की वजह से तैरने लगी हैं। अगर ये किसी चीज से टकराती हैं तो फट जाएंगे। पानी आने से सेना को पता था कि रूस ने ये माइंस कहां कहां फिट किए हैं, लेकिन अब उस पर पानी फिर गया है। मतलब लोग पानी में घुट कर तो मरेंगी, लैंडमाइंस के फटने से भी मौत हो सकती है। इधर कुआं उधर खाई। यूक्रेन ने रूस पर ताजा आरोप लगाया है कि वो बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने वाली रेस्क्यू टीम पर हमला कर रहा है। потрібно щоб міжнародні організації такі як Червоний Хрест негайно долучилися до рятувальної операції та допомогли людям саме на окупованій частині Херсонщини. Кожна загибла людина там – це вирок. Вирок наявній міжнародній архітектурі, міжнародним організаціям, які розучилися рятувати життя. Якщо зараз міжнародні організації немає в зоні цієї катастрофи, значить її взагалі немає. यूक्रेन के रूस पर बांध को बम से उड़ा देने के आरोप को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पुतिन डैम तोड़ने का निर्णय लेंगे तो इससे रूस को क्या फायदा होगा। अमेरिका के इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW के मुताबिक बांध टूटने से आई बाढ़ से यूक्रेन की सेना से बचने के लिए की गई रूस की किलेबंदी को भी नुकसान हुआ है, लेकिन बाढ़ से रूस का काफी फायदा भी है। रूस की सेना को बाढ़ के चलते यूक्रेन के बड़े हमले से बचने के लिए वक्त मिलेगा। पानी की वजह से पूरे इलाके की मिट्टी गीली हो चुकी है। ऐसे में बैटल टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स को आगे बढ़ने में परेशानी होगी। दुनिया के कई एक्सपर्ट मान रहे हैं कि डैम से बाढ़ आने के पीछे पुतिन की सोची समझी रणनीति है, क्योंकि पुतिन अभी युद्ध में विराम चाहते हैं और ज़ेलेंस्की को काउंटर अटैक की जल्दी है। ऐसे में पुतिन ने यूक्रेन पर वाटर बम गिरा दिया है। इस डैम ने यूक्रेन को कैसे तोड़ कर रख दिया है आपको भी देखना चाहिए। असल में ये डैम यूक्रेन का बहुत अहम डैम है। इस डैम से ही क्राइमिया और ज़ेपोरेज़िया न्यूक्लियर प्लांट में पानी पहुंचाया जाता है। बाढ़ से तबाही के साथ एटॉमिक रेडिएशन फैलने का खतरा भी मंडरा रहा है। हालांकि पुतिन ने भी ज़ेलेंस्की पर डैम को तबाह करने के आरोप लगाए हैं, लेकिन उसकी डिटेल आगे। उसके पहले इस डैम की डिटेल देखिए। नीप्रो नदी पर बनाए गए 6 बांधों में से एक है। कीव से लेकर खेरसोन और ओदेसा तक नीप्रो नदी पर कुल 6 बांध बनाए गए हैं, जिसमें कखोका सबसे आखिरी यानी 6ठा बांध था। ये इतना विशाल है कि यूक्रेन के उत्तरी से दक्षिण इलाके तक फैला है। इसी वजह से आशंका जताई जा रही है कि बांध के पानी से बड़े पैमाने पर तबाही का खतरा है। यूक्रेन के आरोपों के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ज़ेलेंस्की की सेना पर डैम को तोड़ने के आरोप लगाए। पुतिन ने यूक्रेन पर युद्ध अपराध के आरोप लगाए हैं। कखोका बांध टूटने के मामले में रूस 2 आधार पर बांध पर हमले से इनकार करता है और ये आधार है। पहला, बांध टूटने से नीप्रो नदी के आसपास का इलाका बाढ़ के कारण डूब गया है। इसके चलते मजबूरन रूस को अपने सैनिकों और नागरिकों को खेरसोन से निकालना पड़ा। दूसरा, इससे रूस के कब्जे वाले क्राइमिया को भी पानी पहुंचाने वाली व्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। क्राइमिया ताजे पानी के लिए टूटे हुए बांध के करीब मौजूद नहर पर निर्भर रहता है। सवाल है, जब रूस ने नहीं तोड़ा डैम, यूक्रेन ने भी नहीं किया हमला, तो बांध टूटा कैसे? खेरसोन में चिड़ियाघर, थिएटर, कैफे और खेल के मैदान पानी में समा चुके हैं। लोगों को निकालने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। बारूदी धमाके में खौफ से जीता शहर अब पानी के प्रहार से घुटने पर मजबूर है। जिस डैम का पानी शहर को रोशनी देता था, वही जिंदगी छीनने पर आमादा है। नीप्रो नदी पर बना कखोका डैम 30 मीटर लंबा है, 3.2 किलोमीटर इलाके में फैला है। बांध को सोवियत संघ ने अपने पहले 5-ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजना के तहत बनवाया था। 1956 में बनाया गया था। इसे बनने में 8 साल लगे थे, लेकिन एक धमाका हुआ और पानी बांध के फाटक को तोड़ता हुआ शहर में घुस गया। संकट ये है कि शहर के बाशिंदे तो तबाह हैं ही, यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर भी टूट रहा है, बिखर रहा है। जिस ज़ेपोरेज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस डैम से पानी सप्लाई होता था, लिहाजा अब खतरा प्लांट की तबाही का और बड़ा हो गया है। абсолютно катастрофічна ситуація на окупованій частині Херсонщини. Окупанти просто кинули людей в цих страшних умовах без порятунку,
без води, просто на дахах будинків в затоплених громадах. І це ще один свідомий злочин Росії. Після того, як держава-терорист спричинила катастрофу, вона ще й максимізує шкоду від неї. Зараз потрібна чітка. युद्ध में पानी भी हथियार होता है, ये पहली बार साबित नहीं हुआ। रूस के युद्ध इतिहास में ये पहली बार नहीं हुआ है और संयोग से उसी नदी के बांध को लेकर हुआ है जिसे नीप्रो नदी कहते हैं। 1941 में सोवियत सैनिकों ने नाजी सैनिकों को रोकने के लिए इसी नीप्रो पर बने पुल को उड़ा दिया था। कहा जाता है कि इससे आई बाढ़ में हजारों सोवियत नागरिक मारे गए थे। बांध तबाह कर यूएसएसआर ने जर्मन सेना को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश भी की थी। इससे नीप्रो नदी के दोनों तरफ पानी की आपूर्ति की जाती थी, लेकिन अब तक ये साफ नहीं है कि रूस ने सच में इतिहास दोहराया है या चाल किसी और की है। लेकिन कम से कम इतना तय है कि जिसने भी कखोका बांध को उड़ाया है उसने दक्षिणी यूक्रेन में रणनीतिक बिसात को उलट दिया है। साफ और सरल शब्दों में ये कि पुतिन जो मौका खोज रहे थे वो उन्हें हासिल हो गया है। ज़ेलेंस्की ने अक्टूबर 2022 में भी अपना डर जाहिर किया था कि रूस इस बांध में ब्लास्ट कर सकता है, तो ज़ेलेंस्की का डर सही निकला। यूक्रेन ने अनुमान लगाया है कि अभी लगभग 100 गांव और कस्बों में बाढ़ आएगी और 5-7 दिनों के बाद ही पानी के स्तर में गिरावट आएगी। खेरसोन का भविष्य पानी में लिखी लकीर की तरह हो गया है। पिछले साल से यहां के लोग युद्ध झेल रहे हैं और अब ये युद्ध उस दौर में पहुंच गया है जहां कोई उन्हें पानी में डुबो डुबो कर मारने के लिए सामने खड़ा है।